Warahmatullahi wabarakatuhu. आज हम इंशाल्लाह नमतों के जवाल से बचने के लिए दुआओं के बारे में बात करेंगे हकीकत यह कि हमारे पास जो कुछ भी है सब अल्लाह सुबहान तरफ से है जैसे कुरान पाक में आता है वमा मिन तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो सब किस सब अल्लाह ताला की तरफ से अगर इंसान गौर भी करे तो बात भी दुरुस्त है क्योंकि कौन सी चीज ऐसी है जो हमने खुद बनाई हो या खुद उगाई हो या खुद तैयार की हो सब का सब अल्लाह सुभान व तआला ही का दिया हुआ है हम सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक उनको डाल लेते हैं वरना हम उनके बनाने वाले नहीं ना हम बारिश बरसाने वाले हैं और न जमीन से सब्जा उगाने वाले हैं अगर अल्लाह ताला बारिशों को रोक ले तो कौन बारिश बरसा सकता है और अगर अल्लाह ताला जमीन को बंजर और वीरान कर दे तो कौन है जो उसमें कुछ उगा सके इसी तरह अगर हमारे पास बोलने की ताकत है तो ये भी अल्लाह सुबहान तला की दी हुई है इसी तरह खाने पीने की बेशुमार नेमतें हैं और भी बहुत सारी चीजें औलाद अच्छे साथी दोस्त अहबाब सबसे बढ़कर अल्लाह सुबहान तला की तरफ से आई हुई हिदायत ये तमाम चीजें हमारे फायदे के लिए और इनको अगर हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते वो इन तद नहा अगर तुम अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहो गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे और ये एक बिल्कुल सच्ची बात है तो हमें इन नेमतों की कदरदानी भी करनी चाहिए इन पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए और इनको सही जगह पर सही तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम वाकई अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं और इसके लिए हम कोशिश के साथ साथ जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी दुआएं हैं जो नेमतों की हिफाजत के लिए हमें सिखाई गई हैं और इसी तरह वो कौन से तरीके हैं कि जिनके जरिए नेमतों की हिफाजत होती है और नेमतें तवील अरसे तक इंसान के पास रहती हैं और इंसान एक जिंदगी गुजार सकता है जैसे हम देखते हैं कि एक मरतबा जहल ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया और वो भाग गया वहां से और जाकर कश्ती में सवार हो गया और जब कश्ती डूबने लगी तो कश्ती के मालिक ने कहा कि अब तुम्हारे बुत तुम्हें नहीं बचा सकते सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो वही तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा तो उस वक्त इकरमा की आंखें खुल गई कि अगर इस वक्त सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना है तो यही वो बात है कि जो मोहम्मद हमें इतने अरसे से बता रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रही तो बहरहाल उन्होंने उस वक्त अल्लाह ताला से अहद किया कि अगर आज मैं यहाँ से जिंदा बच निकला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लूंगा तो बहरहाल उन्होंने अपना अहद पूरा किया और फिर इस्लाम की बहुत सारी खिदमत भी की तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक मरतबा सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारा था और उनकी पुकार सुन ली गई दुआ कबूल हो गई और एक बहुत बड़े तूफान से वो बच निकले तो इसी तरह हम में से हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस बात का तजुर्बा होता है कि वो कहीं ना कहीं मुश्किल में मुबतला होता है और फिर अल्लाह ताला को पुकारता है और अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनते हैं ये अलग बात है कि बाजुका जब हमें अल्लाह नेमत से नवाजते हैं तो हम फिर पलट जाते हैं अपनी ही दुनिया में और अल्लाह ताला को भूल जाते हैं तो अल्लाह ताला को भूलने की बजाय उसका जिक्र और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए और खसूस जब हम दुआ कर रहे हो तो साथ, साथ अल्लाह ताला की तारीफ भी करते जाए अल्हमदिल्ला अकबर लाला जो भी कलिमा दिल से निकले अल्लाह की तारीफ़ के उन्हीं को पढ़ लेना चाहिए और अगर अरबी ज़बान में ना भी याद हो तो, तो अपनी ज़बान में जो भी हम बोलते हैं और जिसमें हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं कि हम अल्लाह ताली को पुकार सकते हैं उस जबान में अल्लाह ताली को पुकारें और फिर मोहम्मद सल्ला वम पर दुरुशी पढ़ें तो इन श्ला सुबहान तै दुआएं सुनेगा जहा तक, तक, तक दूर्ण 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 का ताल्लुक है यानी दरअसल इंसान का एक इम्तिहान भी, भी है और उसके साथ साथ बाज़ात अजाब भी जहां तक ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए आजमाइश है तो इस बारे में रसूल सरमाया अल्ला फरमाता है जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज दुनिया वालों में से उठा लेता हूँ फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करता है तो उसका बदला जन्नत है यानी अल्लाह ताला बंदे को बड़ा मकाम देना चाहते हैं तो उसे दुनिया की किसी नेमत से महरूम कर देते हैं लेकिन उस वक्त जरूरी है कि बंदा अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए उसकी रजा पे राजी हो जाए तो जो राजी होता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है और जिससे राजी हो जाए रब उसके लिए फिर जन्नत ही जन्नत है फिर इसी तरह यह है कि बात इंसान को मिलने वाली नेमतें जब ले ली जाती हैं तो वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं क्योंकि बाज़ात हम अल्लाह ताली की नमतें पाकर वो शुक्र अदा नहीं कर रहे होते ये इतात नहीं कर रहे होते तो अल्लाह ताला फिर वो नेमत वापस ले लेता है ताकि बंदा होश में आए और अल्लाह ताली की इबादत की तरफ रागिब हो जिसके लिए अल्लाह तसान को पैदा किया है फिर इसी तरह यह है कि बाज आजमाइशों पर सबर बहुत बड़े अजर का बायस बनता है जो आम तौर पर इंसान नहीं कर सकता या आम तौर पर इतना बड़ा अज़र हासिल नहीं कर सकता अलैहि वसल्लम से ताउन के मुतल पूछा गया तो आपने बताया कि यह एक अजाब था जो अल्लाह जिस पर चाहता था भेज देता था लेकिन इस उम्मत के मुसलमानों पर अल्लाह ने उसे रहमत बना दिया अब जो शख्स ताउन की बीमारी में मुबतला हो और उस शहर में सवाब की नीयत से सबर करते हुए रुका रहे और यकीन रखता हो कि इसे सिर्फ वही मुसीबत आ सकती है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दी है तो उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा फिर इसी तरह ईमान वालों के लिए सबर करने वालों के लिए नेमतों का जाना तकलीफ़ों का आना बीमारियों का आना जहां बहुत बड़े अजर और सवाब की बात है वहां अल्लाह के नाफरमानों के लिए ये अजाब भी है क्योंकि फर्क यहीं से पता चलेगा कि कौन सी मुसीबत किसके लिए रहमत है और किसके लिए अजाब है कि जो आजमाइश में पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के करीब हो जाए अल्लाह तला की तरफ झुक जाए अल्लाह से दुआएं मांगने लगे अपने अमाल की असलाह कर ले उसके लिए आजमाइश एक नेमत है यानी उसके लिए नेमत का जाना भी एक नेमत है और जो शख्स नेमत के जाने पर आजमाइश के आने पर अल्लाह ताला से नाराज हो जाए और अपने रवैये में कोई तब्दीली ना करे अपने अमाल की कुछ इसलाह ना करे तो वो उसके लिए अजाब ही अजाब है जैसा कि हम देखते हैं कि आले फिरौन को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से आजमाया इरशाद बारी ताला है पैदावार की कमी में मुब्तला रखा ताकि वो नसीहत पकड़े लेकिन क्या हुआ उन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी वो ईमान नहीं लाए तो ये आजमाशें उन सब के लिए एक अजाब थी फिर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि नेमतों का जवाल होता है? अजाब तो अपनी जगह लेकिन चली जाती है? का क्या हाथ होता है तो सबसे पहली चीज ये कि इंसान जब किसी नेमत की कदर नहीं करता या उस पर शुक्रगुजार नहीं होता तो वो नेमत उससे चली जाती है कुरान मजीद में अल्लाह तला फरमाते हैं क्या उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह, अल्लाह की नेमत को नाशुकरी से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा यानी जब कोई कौम नाशुकरी करती है तो उससे नेमतों का जवाल हो जाता है एक और जगह पर भी आता है <त्रवाग> मतलन करियतन कानत हा हा लिबास और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की जो इत्मीनान वाली थी उसके पास उसका रिस्क खुला हर जगह से आता था तो उसने अल्लाह की नेमतों की नाशिक्री की तो अल्लाह ने उसे भूख और खौफ का लिबास पहना दिया उसके बदले जो वो किया करते थे फिर इसी तरह गुरूर और तकबर के जवाल का का बनता है और कहते हैं हक बात इनकार करना अपने आप को बड़ी चीज समझना और सही बात को न मानना एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बाएं हाथ से खाना खा रहा था तो आपने उसको मना किया और कहा कि दाएं हाथ से खाओ तो उसने कहा मैं दाएं से नहीं खा सकता तो आपने फरमाया तुम कभी ना खा सको और वह मरते दम तक फिर अपना दाया हाथ ऊपर नहीं उठा सकता था तो इससे यह पता चलता है कि बाजुकात इंसान जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को वाजे तौर पर मानने से इनकार कर देता है तो उस पर भी इंसान का इम्तिहान हो जाता है फिर इसी तरह नेमतों की नस्बत अपनी तरफ करना कि हम ये सब कुछ अपनी मेहनत से कर रहे हैं और हमारी कोशिश है और अल्लाह सुबहान शुक्र अदा करना इस सिलसिले में हम देखते हैं कि कानून है कानून को अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था लेकिन वो उसे अल्लाह की रहमत या अल्लाह का इनाम नहीं समझता था तो अला ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बदौलत मिला है जो मुझे हासिल है ये तो मेरी तो मेरा अपना कमाल है मेरी अपनी मेहनत है फिर क्या हुआ भी ही अर्द। हमने उसको और उसके घर को जमीन में धंसा दिया मा कानी तो हमने उसे तो और उसके घर को जमीन में धंसा दिया फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी कोई मदद करती और ना वो अपना बचाव करने वालों में से था फिर इसी तरह नेमतों के जवाल का एक सबब नेमतों को गैर अल्लाह की तरह मंसूब करना यानी दूसरों को उसका सबब बताना और अल्लाह ताला से ध्यान हट जाना और अल्लाह को याद न करना और उसका शुक्र अदा ना करना इसी तरह नेमत को इस्तेमाल न करना वो भी नेमत में कभी कर देता है कुरानी मजीद में आता है बड़ी हलाकत है, बहुत ताना देने वाले और बहुत ऐब लगाने वाले के लिए वो जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा वो गुमान करता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा यानी माल की वजह से उसकी शोहरत होगी तो जब एक इंसान को अल्लाह माल देता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो उसको अपनी ज़ात पर भी खर्च करे अपने घर वालों पर भी करे और गरीबों मस्किनों यतीमों वगैरह का हिस्सा भी उसमें से निकाले लेकिन अगर इंसान सिर्फ उसको बढ़ाता ही चला जाए और किसी का भी हक ना दे तो फिर अल्लाह सुबहान उसमें कमी फरमा देते हैं हजरत असमा बिन तबी बकर की रिवायत है वो कहती है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्हल ने फरमाया खर्च करो

जो ये मुनादी करते हैं और उस मुनादी को दो बोझों यानी जिन्नो इंस के अलावा तमाम अहले जमीन सुनते हैं कि ए लोगो अपने रब की तरफ आओ क्योंकि वो थोड़ा जो जो काफी हो जाए उस ज्यादा से बेहतर है जो गफलत में डाल दे इसी तरह जब भी सूरज गुरूब होता है तो उसके दोनों पहलुओं में दो फरिश्ते भेजे जाते हैं जो आवाज लगाते हैं मुनादी करते हैं और उस मुनादी को भी दो बोझों के अलावा तमाम अहले जमीन सुनते हैं ए अल्लाह खर्च करने वाले को उसका नेमुल बदल अता फरमा और ए रोक कर रखने वाले के माल को हलाक कर दे तो सही पता चलता है और जो देता है उसके लिए वादा है कि अल्लाह उसको उसका बेहतरीन बदल और अता फरमाएगा फिर इसी तरह लोगों की जरूरतें पूरी ना करना फिर इसी तरह बुखल करना कंजूसी से काम लेना जैसे कुरान मजीद में, में बाघ वालों का किस्सा बयान किया गया उसके उन्होंने बुखल का फैसला किया और कहा कि हम आज अपना बाग जब काटेंगे उसका फल लेंगे तो किसी भी को कुछ नहीं देंगे किसी और के ऊपर हम खर्च नहीं करेंगे तो हुआ क्या कि वो सुबह सुबह अंधेरे में अपने घर से निकले ताकि जाके बाघ का फल उतार ले। लेकिन वहां जब गए तो बाघ जला पड़ा था और वो परेशान होकर रह गए कि ये क्या हुआ क्या हम रास्ता भूल गए हैं कहीं और आ निकले हैं लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहान तआला ने उनको इस बुखल की सजा दी थी और उनसे नेमत वापस ले ली फिर इसी तरह लोगों को देते हुए तंग पड़ना कि ये क्यों मांगते हैं या क्यों लेते हैं उनसे अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के पास लोगों के लिए नेमतें हैं वो उन्हें उनके पास उस वक्त तक बाकी और साबित रखता है जब तक के वो मुसलमानों की हाजात पूरी करने में लगे रहते हैं और उनसे तंग नहीं होते और जब वो उनसे तंग हो जाते हैं तो अल्लाह ताला वो उन्हें दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देता है यानी वही नेमतें दूसरों को मिल जाती और वो दूसरों के हाथों उनको खर्च करवाता है फिर इसी तरह सरकशी करने वाली कौम है सरकशी करने वाले अफरा अल्लाह सुबहान तला उनसे भी नेमतें ले, ले लेता है फिर गुनाह और नाफरमानी के काम नेमतों के जवाल का सबब बनते हैं फिर इसी तरह इंसानों के बाद खुलम खुला गुनाह जो है वो इंसानों के लिए कहत साली का बायस बनते हैं ऐसी बीमारियों का सबब बनते हैं जो पहली कौमों में न थी तो इसलिए नेमत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि नंबर एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है न इन शक्कर तुम न अजीज़ अन्ना कुम। अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं अपनी नेमत तुम्हें, तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा फिर इसी तरह नेक आमाल करना अल्लाह को राजी रखना जैसे अल्लाह फरमाते दाऊद दाऊद शुक्रा व कलील मिन शुकूर। ए के घर वालों शुक्र अदा करने के लिए अमल करो और बहुत थोड़े मेरे बंदों में से शुक्र गुजार है यानी अल्लाह ने नेमतें तो बहुत सो को दे रखी है लेकिन शिक्र गुजार लोग कम है और शक्र गुजारी क्या है कि दिल से भी इंसान राजी हो जबान से भी अच्छी बात निकाले और अमल भी उसका अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हो फिर के साथ नेकी और इजाफे का जरिया बनता है रसूल ने फरमाया जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत और रिस्क में इजाफा हो जाए उसे चाहिए कि अपने वाले के साथ नहमी किया करे फिर इसी तरह माल को खर्च करना क्योंकि खर्च करने से माल मजीद बढ़ जाता है

उनके लिए रिस्क के और दरवाजे खोल देता है और कई गुना पहले से भी ज्यादा अता करता है नेमतों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि इंसान जहां अमली तदाबीर अख्तियार करे वहां अल्लाह ताला से खूब दुआ भी करे और इस सिलसिले में सबसे पहले वो दुआ जो हजरत सुलेमान सलाम ने मांगी कि रब्बी रबी

शुक्र का अदा करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि उसकी नियत इरादा और अल्लाह ताला से उसकी तौफीक मांगना भी जरूरी है क्योंकि जब तक अल्लाह ताला तौफीक न दे इंसान शुक्र भी अदा नहीं कर सकता फिर इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك

अजब मामला है कि इंसान अल्लाह से डरता है और पनाह के लिए भी अल्लाह right. ही की तरफ जाता है तौबा के लिए भी अल्लाह सुबहान तआला ही की तरफ रुजू करता है रिफा जरख़ी से मरवी है वो कहते हैं कि जब ओहद के दिन मश्रकिन मुंतशिर हो गए तो रसोल ने फरमाया बराबर हो जाओ ताकि मैं अपने रब्ला की सना करूँ लोग आपके पीछे सफ़े बनाकर खड़े हो गए और आपने कहा अलहकुल्लु اللهم لا قابز لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وفضلك ورزقك. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اني اسالك النعيم يوم العيلة. ए अल्लाह तेरे ही लिये हर किस्म की तारीफ है ए अल्लाह जो तू फैला दे उसे कोई समेटने वाला नहीं जो तू दूर कर दे तो कोई उसे नजदीक करने वाला नहीं जिसे तू नजदीक कर दे तो उसे कोई दूर करने वाला नहीं जिसे तू अता करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं; और जिससे हम पर अपनी बरकत अपनी रहमत अपने फजल और अपने रिस्क को फैला दे अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी नेमतें मांगता हूं जो हमेशा कायम रहे तेरी इतात में हायल ना हो और नजायल हों एल्ला तंगी के दिन की नेमत और जंग के दिन के अमन का सवाल करता हूँ एल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज़ की बुराई से जो तूने अता की और उस चीज के शर से जो तूने हमसे रोक ली इसी तरह इंसान को बदनी और जिस्मानी नेमतों के बका के लिए भी दुआ करनी चाहिए अल्लाह आफ़ी फ़ी बदनीफ़ीनी फ़ी समी अल्लाह आफ़ी फ़ी बसरी लंता एल्ला मुझे अपने बदन में आफ़ीत अफ़रमा एल्ला मुझे अपनी समात में आफ़ीत अताफ़रमा एल्ला मुझे अपनी बसारत में आफ़ीत अताफ़रमा तेरे अलावा कोई और माबूद नहीं फिर इसी तरह हर नमाज के बाद शुक्र अदा करने की तोफ़ी मांगना और अपनी अच्छी तरह पर फिर इसी तरह सजदा तिलावत में भी अल्लाह तुक्र अदा करना तो खुलासा यह है कि अगर इंसान ये चाहता है कि उस पर नेमतें बाकी रहें तो उसे नमतों की कदरदानी और शुक्र के साथ साथ अल्लाह से नेमतों के बका की दुआएं करते रहना चाहिए, चाहिए। और खसूस नबी अलैहि वसल्लम की दुआओं को नहीं भूलना चाहिए, चाहिए। क्योंकि आपको जामे कलिमात अता किए गए थे और आपने हमें बहुत बेहतरीन दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मिलने वाली नेमतों की हिफाजत फरमाए और दुनिया और आखिरत में आप सबको मजीद नेमतें अता फ़रमाए वखिर दावाना आलमीन